हेलो एवरीवन, टुडे अपने को कुछ वैडिंग वर्ड्स ने जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट ने जिन्हां दी आपां नूं आने वाले समय में जरूरत पवेगी। वैसे तो लाइफ के बीच आपां नूं हमेशा जरूरत रहिंदी है, सो इन बारे आपां नूं जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट वर्ड ने एंड न्यू वर्ड ने, तुसीं देख सकते हो। हरेक तरह का वर्ड आपां मैंशन करांगे। डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, आपां देख लैंदे आ काम। देखो फस्ट है अपने को वैडलॉक। वैडलॉक का पंजाबी मीनिंग होएगा व्याह। ओके जी, वैडलॉक व्याह, या फिर तुसी लिख सकते हो शादी। ओके, सेकंड है अपने को वैडिंग प्रोसेशन। वैडिंग प्रोसेशन का पंजाबी मीनिंग होएगा बरात। ओके, एंड थ्री नंबर है अपने को वैडिंग गैस्ट। वैडिंग गैस्ट का पंजाबी मीनिंग होएगा बराती। ओके, एंड फोर नंबर है अपने को ग्रूम। ग्रूम का पंजाबी मीनिंग होएगा लाड़ा। ओके, या फिर तुसी दुल्हा भी लिख सकते हो। ग्रूम, लाड़ा या फिर दुल्हा। फाइव नंबर है अपने को ब्राइट। ब्राइट का पंजाबी मीनिंग होएगा कुड़ी। ओके, या फिर दुल्हन। ब्राइड कुड़ी या फिर दुल्हन। सिक्स है अपने को इन लॉ हाउस। यदा पंजाबी मीनिंग होएगा ससुराल वाले। ओके, इन लॉ हाउस, ससुराल वाले। एंड सेवन है अपने को इन लॉस। यदा पंजाबी मीनिंग होएगा ससुराल। ओके, इन लॉस, ससुराल। एंड एट नंबर है अपने को वैडिंग सैरेमनी। इहदा मीनिंग होएगा विआह दियां रस्मां। ओके, वैडिंग सैरेमनी, विआह दियां रस्मां। एंड नाइन है अपने को सेवन वॉव्स। सेवन वॉव्स का पंजाबी मीनिंग होएगा सत फेरे। ओके, एंड टेन है अपने को ब्राइडल फैमिली। इहदा पंजाबी मीनिंग होएगा दुल्हन दे घर वाले या फिर परिवार। ब्राइडल फैमिली, दुल्हन दे घर वाले। हाँ जी, इन्हां इंपोर्टेंट वर्ड्स दा तुसीं शॉर्ट लै सकते हो। एक बार दोनों आपां फिर रिपीट कर दिए। वैडलॉक का पंजाबी मीनिंग होएगा, एक न्यू वर्ड है ब्याह या फिर शादी। एंड सैकेंड है अपने को वैडिंग प्रोसेशन, बरात। एंड थ्री नंबर है अपने को वैडिंग गैस्ट, बराती। एंड फोर नंबर है अपने ग्रूम, लाड़ा या फिर दुल्हा। फाइव है अपने को ब्राइड, कुड़ी या फिर दुल्हन। सिक्स है अपने इन लॉ हाउस, ससुराल वाले। एंड सेवन है अपने को इन लॉ, ससुराल। एट है अपने को वैडिंग सेरेमनी, विआह दियां रस्मां। एंड नाइन है अपने को सेवन वॉज, सत फेरे। एंड टेन है अपने को ब्राइडल फैमिली, दुल्हन दे घर वाले। हाँ जी, इस तो बाद कुछ होर वर्ड ने ये नाल ही रिलेटेड, आप भी देख लेंगे कम। हाँ जी, नाव अपने को कुछ होर वर्ड ने आप देख लेंगे कम। हाँ जी, फस्ट है अपने को ब्राइडल क्लॉथ। ब्राइडल क्लॉथ का पंजाबी मीनिंग होएगा दुल्हन दे कपड़े। ओके जी, एंड सैकंड है अपने को फियांस। फियांस का पंजाबी मीनिंग होएगा मंगेतर। ये होएगा लड़के लिए। ओके जी, फियांस, मंगेतर, लड़के लिए। एंड थ्री है अपने को फियांसी। फियांसी इहदा भी पंजाबी मीनिंग होएगा मंगेतर, बट ये किहदे लई होएगा लड़की लई। फियांस, मंगेतर, लड़के लई। एंड फियांसी, मंगेतर, लड़की लई। एंड फोर नंबर है अपने शू स्टेलिंग सेरेमनी, यानी कि जूते चुराने वाली रसम। ओके,
शूज टेलिंग सेरेमनी जूते चराने वाली रसम एंड फाइव अपने को सपोजल या फिर लाइफ पार्टनर इनका पंजाबी मीनिंग होएगा जीवन साथी। सपोजल लाइफ पार्टनर इहदा पंजाबी मीनिंग होएगा जीवन साथी। ओके जी एंड सिक्स एंड लास्ट अपने को डोरी। डोरी का पंजाबी मीनिंग होएगा दहेज। ओके जी तुसी इन भी इंपोर्टेंट वर्ड्स का शॉर्ट ले सकते हो। एक बार रिपीट कर दिए, फर्स्ट अपने को ब्राइडल क्लॉथ दुल्हन दे कपड़े एंड सैकेंड फेंस मंगेतर लड़के लिए, थ्री अपने को फैंसी मंगेतर लड़की लिए एंड फोर अपने को शूज स्टीलिंग सेरेमनी जूते चुराने वाली रस्म एंड फाइव अपने को सपोजल या फिर लाइफ पार्टनर जीवन साथी। एक सपोजल इतने अलग है एंड लाइफ पार्टनर अलग है। सपोजल एक न्यू वर्ड है एंड सिक्स है अपने डोरी। डोरी का पंजाबी मीनिंग होएगा दहेज। आई थिंक तुहानू अज दे वैडिंग वर्ड्स काफ़ी पसंद आए होंगे एंड काफ़ी यूजफुल भी ने, अपन लाइफ के जरूरत रहती है। सो अज की वीडियो बस इन्ना ही, आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो कुछ न्यू वर्ड के नाल। टिल दैन टेक केयर, बाय।